चुकी है और उनके बेटे के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं झज्जर में किसानों ने मामले पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए किसानों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर रोष व्यक्त किया और रेल की पटरियों पर बैठकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की तरफ से रेलगाड़ी को भी रोका गया और किसानों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पत्र उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है जहां पर स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से सीएम मनोहर लाल का नाम स्टार कैंपेनर में शामिल किया गया है। कांग्रेस की सूची में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का नाम है। प्रभारी विवेक बंसल और रणदीप सुरजेवाला भी हरियाणा में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल एलनाबाद उपचुनाव के प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। तो इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। तो विक्रम भाटिया हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, प्रभारी विवेक बंसल प्रचार की कमान संभालेंगे, तो बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री जो है प्रचार का जिम्मा संभालते नजर आएंगे। और किन किन बड़े चेहरों का नाम इस सूची में शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह इलाहाबाद उपचुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, उस तरह जो स्टार प्रचारक हैं वो भी जनता के बीच में लगातार अब पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अगर कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की तरफ से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 तारीख के बाद जो है जनता के बीच में जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे। उससे पहले कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा कई गाँव का जो है दौरा कर चुकी है। उसी के साथ जो है आज नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के जो गांव है कागदाना में, आज भाजपा की तरफ से यहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है जिसमें सुभाष बराला सहित अन्य बड़े नेता जो यहां पहुंचने वाले हैं। फिलहाल जो है चुनाव प्रचार जो है अपनी गति पकड़ चुका है और जिस तरह जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं सरगर्मियां जो है चुनाव की बढ़ती जा रही है। जी जी विक्रम, एक तरफ जहाँ कांग्रेस लगातार किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सरकार पर हमलावर है, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी इन मुद्दों पर घेर रहे, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में होगी? जी बिल्कुल, बीजेपी का साफ तौर पे ये कहना है कि जो इनेलो का यहाँ पर विधायक रहे हैं और जो जिस गति से यहाँ विकास होना चाहिए था विकास नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ चोपटा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ दर्जन भर गाँव ऐसे हैं जहाँ सेम की समस्या काफी है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि अगर इस बार जो विधायक अगर जो भी चुनेंगे वो सेम की समस्या को जो है जल्द खत्म कर सके, क्योंकि किसानों को सेम वाली जमीन पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लगभग 20 सालों से वहां पर कोई भी अपनी फसल नहीं उगा पा रहे हैं। इसी के साथ जो है बढ़ता हुआ नशा जो है वो काफी मुद्दा रहेगा इस चुनाव के अंदर। जी जी विक्रम, बीजेपी की अगर लिस्ट की बात करें तो तमाम वो बड़े चेहरे इसमें शामिल किए गए, तमाम वो नाम है, चाहे उन नेताओं की बात हो, चाहे अनिल विज सरीखे नेताओं की बात करें या वो बड़े नेता जो हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाए, लेकिन तमाम जो वो ब्रिगेड है बीजेपी ने प्रचार में झोंक दिए, लगा दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव बीजेपी बड़ा सीरियसली ले रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ का अगर माहौल की अगर बात करें, माहौल काफी जो है तेजी पकड़ चुका है और जो बड़े नेता हैं जल्द है जिस तरह लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की जो नब्ज टटोलने का काम करेंगे उसको देखकर लगता है कि यह उपचुनाव काफी मायने रखने वाला है। क्योंकि जो इलाहाबाद उपचुनाव है कहीं ना कहीं पहले जो इनेलो का गढ़ रहा था, अब इस गढ़ को क्या बीजेपी फेंक पाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जल्द ही जो तमाम नेता हैं बड़े, चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे भाजपा की बात की जाए, तो मैदान में उतरेंगे और लोगों की नब्ज टटोलेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन विक्रम, कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा जो है इलाहाबाद उपचुनाव में सर चढ़कर बोलेगा। विक्रम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क विक्रम से टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ेंगे और भी जानकारियां जुटाएंगे। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यह है कि इलाहाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की एक लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी